हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एग्जाम पे। डियर मेरा नाम है रंजन कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। तो डियर आज हम क्या करने वाले हैं, आज काफी सरप्राइजिंग, काफी लोग कमेंट भी कर रहे थे। डियर थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, अदरवाइज आपकी सारी क्लासेज में जल्दी जल्दी अब लेने की कोशिश करूंगा एंड सॉरी फॉर डैट कि आप सभी को वेट करना पड़ रहा है। डियर बिफोर आई स्टार्ट, बस अपने ऐप के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाकर गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिए और साइन अप करने के बाद आप डैशबोर्ड पे और सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे। तो चलिए डियर आज हम करने वाले थोड़े से आपके काम की बात सॉरी। तो आज हम करने वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और अच्छे से रीड करना है, जो भी मैंने पैसेज दिया है अच्छे से रीड करना है। ठीक है, हम भी साथ साथ रीड करेंगे आपके बिल्कुल पूरा टाइम सॉरी पूरा टाइम आपके पास है। ही सॉ नथिंग, ही हैड नो नाइफ और शार्प इंस्ट्रूमेंट। देखिए सबसे पहले बात है कि अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो ये तो पढ़ना हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा मैं बेसिक इसका कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब भी आप पेपर देने जाएं तो पेपर में एक कॉन्सेप्ट रखे, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन को तो लास्ट में रखा है, बट हमारा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि पहले एक बार हम क्वेश्चन देख ले, फिर आपको पैसेज रीड करने में काफी हेल्प मिलेगा। चलिए ये आरओबीसी वाले में आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ना शुरू करते हैं और पहले पढ़ के समझते हैं और हमने जो भी पैसेज में डिफिकल्ट वर्ड्स है उनके हम इजी वर्ड्स वहां पर लिखने की कोशिश की है। पांच क्वेश्चंस हैं डियर, एक पैसेज पे आपके पांच क्वेश्चंस हैं। पहले हम पैसेज पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल जस्ट जैसे आप पढ़ेंगे वैसे मैं भी साथ साथ पढ़ता चलूंगा। और पढ़ने के दौरान सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सेंटेंसेस समझने की कोशिश करनी है कि किस रिगार्डिंग कहानी है, क्या कहानी है। ठीक है, तभी हम इसके जवाब दे पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ही सॉ नथिंग, अभी कैरेक्टर के बारे में बताया नहीं गया कि कौन कैरेक्टर है, लेकिन उसको ही कहके यहां पर इंडिकेट किया जा रहा है। ओहो, ये थोड़ा सा मेरा ना इंस्ट्रूमेंट का दिक्कत है। He saw nothing, मतलब उसने कुछ नहीं देखा। He had no knife, उसके पास कोई चाकू नहीं था। और sharp instrument, और उसके पास कोई भी sharp instrument नहीं था। The grating, grating का मतलब होता है grill या fence of the window। अब ये क्या कह रहा जा रहा है, अभी ये कहा जा रहा है कि वो कमरे के अंदर है और ये विंडो की बात हो रही है। ठीक है, कमरे के अंदर मान लेते हैं ये कमरा है और इसके बीच में एक छोटा सा विंडो लगा हुआ है। ठीक है, ये विंडो की बात हो रही है। द ग्रेटिंग ऑफ द विंडो वॉज ऑफ आयरन, ये किस चीज का बना था, आयरन का बना था, इसे हम आयरन ही प्रोनाउंस करते हैं, हम लोग इन जनरल आयरन भी बोल देते हैं। एंड ही हैड टू ऑफन अस्योर्ड हिमसेल्फ ऑफ इट्स सॉलिडिटी, अब ये कह रहा है कि एंड ही हैड टू ऑफन, मतलब अपने आप को बार बार अस्योर करवाया कि भाई ये काफी ना सॉलिड है, मतलब उस आयरन के बारे में बात करो, उस आयरन के बारे में जो ग्रिल लगा हुआ है, ठीक है, जो फेंस लगा है उससे बताया कि ये काफी लाइक स्ट्रांग है। His फर्नीचर, अब बताया जा रहा है कि जिस कमरे में है उसके अंदर जो फर्नीचर है कंसिस्टेड ऑफ, अब ये भी याद रखेंगे कि कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है। ठीक है, अब बेड क्या है उसके कमरे में फर्नीचर के रूप में, एक बेड है, एक चेयर है, एक टेबल है और एक पेल है। पेल का मतलब होता है बकेट, लाइक पीने के लिए, पानी पीने के लिए कोई सामान रखते हैं, लाइक सुराही हम इन हिंदी समझ सकते हैं या जग टाइप का समझ सकते हैं, सॉरी जग तो अलग हो जाएगा, ये बकेट टाइप का जिसमें हम ज्यादा पानी रख सकते हैं। ठीक है, एंड अ जग, और उसके पास क्या है, एक जग है। तो ये कहानी अभी यूं शुरू हुई है कि वो देखता है कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी उसको नजर नहीं आता है, ना उसके पास कोई चाकू है मतलब, और ना ही कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट है मतलब तेज धार वाली कोई चीज उसके पास है, और वो हमेशा उस विंडो को देखता है और उसकी जो सॉलिडिटी है उसको अपने आप को अश्योर करवाता है कि ये काफी मजबूत है। अब बात हो रही है कि उसके जो कमरे हैं उस कमरे में क्या क्या फर्नीचर्स लगे, क्या क्या है, बेड, चेयर, टेबल, पेल और जग। द बेड हैड आयरन क्लैंप्स, अब ये देखा जा रहा है कि इसके अंदर जो बेड है ना उसमें आयरन का क्लैंप लगा हुआ। आयरन क्लैंप का मतलब कि उसके लोहे से ना क्लैंप किया हुआ। बट देवर स्क्रू टू द वॉल, अब देखो क्लैंप तो किया हुआ है लोहे से और उसको स्क्रू किया गया है वॉल से, मतलब वॉल में लगा करके एक तरीके से उसे कसा गया है स्क्रू से। ठीक है, एंड इट वुड हैव रिक्वायर्ड अ स्क्रू ड्राइवर टू टेक देम ऑफ, और अगर उस बेड को अलग करना हो, अगर उस बेड को अलग करना हो, ठीक है, या यहाँ पे जितनी सारी चीजें ने सभी के लिए बताया जा रहा है। द बेड हैड आयरन क्लैंप्स बट देवर स्क्रूड टू वॉल,
अब ये या तो इसके हम बेड के बारे में बात कर ले, तो बेड के जो चार लाइक पोल होंगे उन चारों पोल को दीवार से स्क्रू किया गया है, ठीक है। और अगर हमें उन बेड को या कोई सामान को निकालना हो बाहर, तो हमें एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। अभी तक यहाँ जो भी अभी ही है, अभी ही के बारे में पता नहीं कि कौन है, ठीक है। अभी तक ये पता चल गया कि वो एक कमरे में है, ठीक है, और माइट भी वो शायद भागना चाह रहा है, ठीक है, वहां से स्केप करना चाह रहा है, इसीलिए वो सोच रहा है कि अगर उसके पास नाइफ होता है या शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर उसके बेड लाइक वॉल से स्क्रूड नहीं होते, तो वो शायद वहां से निकल जाता, वहां से भाग गया होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, डेंटिस्ट। अब देखो एक नाम आया यहाँ पर, डेंटिस्ट हैड बट वन रिसोर्स। अब बोल रहा है कि उनके पास लेकिन एक रिसोर्स था, एक उपाय था, ठीक है, विच वॉज टू ब्रेक द जग। अब वो उपाय क्या था कि जग को तोड़ दिया जाए, ठीक है, जो जग है उसे तोड़ दिया जाए विद वन ऑफ द शार्प फ्रैगमेंट। अब जो जब जग टूटेगा तो उसमें जो भी उसके टुकड़े निकलेंगे ना, जो उसका शार्प टुकड़ा होगा, बिल्कुल नुकीला सा टुकड़ा होगा, उससे हम क्या करेंगे, अटैक द वॉल, वॉल को क्या करेंगे, अटैक करेंगे। देखिए अब ये सिंपल से यहां से समझ में आ रहा कि वो कहीं ना कहीं बंद है और वहां से वो निकल करके बाहर भागना चाह रहा है। तो देखिए हम आपको बिल्कुल मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें पैराग्राफ की मीनिंग समझ में आएगी तब ये चीजें आसान हो जाएगी। मुझे ये कल यूएसबी चेंज करना पड़ेगा, ये बार बार छोड़ दे रहा है। ही लेफ्ट द जग फेल ऑन द फ्लोर सॉरी फॉल ऑन द फ्लोर एंड इट ब्रोक इन पीसेज। अब वो क्या करता है कि जग को हाथ में लेता है और उसके बाद उसको फ्लोर पे छोड़ देता है। अब जब छूटता है तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक इन टू पीसेज, लाइक चीनी मिट्टी का हम मान सकते हैं कि वो शायद जग होगा और नीचे गिरने के बाद वो बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा हो गया। ही कंसील्ड टू और थ्री ऑफ द सरफेस फ्रेगमेंट्स इन हिज बेड। अब क्या करता है कि दो तीन टुकड़ा जो कि काफी शार्प होता है, काफी तेज होता है, उसको अपने बेड के नीचे छुपा लेता है, लिविंग द रेस्ट ऑन द फ्लोर, और बाकी का जो रहता है उसको फ्लोर पे ही वैसे एज इट इज छोड़ देता है। द ब्रेकिंग ऑफ द जग वॉज टू नेचुरल एंड एक्सीडेंट टू एक्साइट सस्पिशियन। अब कह रहा कि इस तरीके से जग टूटा था जैसे लगे कि नेचुरल शायद गिर गया होगा अपने से, इसको कोई तोड़ा नहीं है, इस तरीके से उसको गिरा करके तोड़ा गया था, डेंटिस्ट ने उसको गिरा करके तोड़ा था, लेकिन इस तरीके से तोड़ा गया था वो कि पता ना चले, ठीक है, बिल्कुल ऐसे कि जो आगे वाला इंसान देखे तो ऐसे लगे कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से शायद अपने से गिर के टूट गया है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जेलर, इसको जेलर ही प्रोनाउंस करते हैं, वेंट ग्रम्बलिंगली टू फेच अनदर। अब क्या हुआ कि वो बड़बड़ाते हुए आता है और देखता है कि जग टूट गया, तो दूसरा लाने चला जाता है। क्या करता है, दूसरा वो लाने चला जाता है, विदाउट गिविंग हिमसेल्फ द ट्रेवल टू रिमूव द फ्रेगमेंट्स। और वो जो जेलर होता है, ठीक है, वो अपने आप को तकलीफ नहीं देता कि उन टुकड़ों को हटा दे वहां से, मतलब वो कमरे में गिरे हुए थे एज इट इज जैसे वो चित्रे थे, ठीक है, स्कैटर्ड थे, वैसे उसको छोड़ करके वो नया जग उस लाइक डेंटिस्ट के लिए ला करके दे देता है। डेंटिस्ट हर्ड जॉयफुली द की ग्रेट इन द लॉक एज गार्ड डिपार्टेड। और जैसे ही गार्ड जाता है, ठीक है, यहां से निकलता है, वो सुनता है उसकी, बहुत खुश होता है डेंटिस्ट सुन करके उस की ग्रेट को, ठीक है, जब की जब हम बंद करते जो आवाज होता है, थोड़ा सा डॉग नॉइज कर रहा है एंड मैं रुक नहीं सकता हूं जब मैं रिकॉर्ड करता हूं, जनरली पता नहीं क्या होता है कि जब भी मैं कुछ बनाऊं यहां पर, जब भी मैं रिकॉर्ड करूं, ये डॉगी इतना परेशान करते ना, और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। चलिए तो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा कि डेंटिस्ट हर्ड जॉयफुली, उसको बड़ा खुशी होता है द की ग्रेट इन द लॉक, कि जो आवाज आती है जब हम लॉक में लगाते हैं की को, जब वो आवाज आती है एज गार्ड डिपार्टेड, जैसे कि गार्ड वहां से निकलता है। अब आता है कि डेंटिस्ट वॉज इन, डेंटिस्ट कहां था, डेंटिस्ट कहां था, अ हॉस्टल, अ डाइनिंग रूम, एंड आर्मी बैरक्स और अ प्रिजन। तो यहां से अभी हम समझ पा रहे होंगे ये कि वो वहां से निकल करके भागना चाह रहा होगा, ठीक है, वो वहां से निकल करके भागना चाह रहा होगा। सो वो ये चाह रहा होगा कि भाई यहां से हम निकल करके भाग जाए, ठीक है, और निकल करके भाग जाएंगे तो भाई कहीं ना कहीं वो ऐसे जगह पे होगा कि जरूर उसको मुसीबत दे, हॉस्टल में कोई नहीं निकल के भागना चाहता है। तो यहां पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आप प्रिजन, ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, प्रिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन मैंने काफी जल्दी बता दिया, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, डेंटिस्ट हर्ड द की ग्रेट इन द लॉक व्हेन द सेल डोर वाज शट, सेल डोर वाज ओपन, स्टोर रूम वाज ओपन और स्टोर रूम वाज शट। कब सुना वो आवाज, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग ऑप्शन बताएं,
चूंकि वो खुश हुआ था, इस बात का ध्यान रखना कि खुश हुआ था। अब खुश कब होगा? चूंकि उसका जग टूट गया था और जग उसको दोबारा मिल रहा होगा, और जग कहां रखा होता है ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। कहां रखा होता है जग? जल्दी से जवाब दें। पता नहीं क्या है ये, बार बार ये छोड़ दे रहा है मेरा यूएसबी। अभी जल्दी मैं इसको दुरुस्त करूंगा। चलिए सोच लिया आप लोगों ने जवाब? क्या होना चाहिए? बिल्कुल पूरा टाइम दीजिए। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं, डॉगी भी थोड़ा सा चुप हो जाए तो मैं स्टार्ट करूं अपना। पता नहीं कहां से ये शुरू हो जाते हैं। चलिए तो इसका हम जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब है स्टोर रूम वाज शट। सॉरी फॉर दैट नॉइज। ठीक है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर सकता हूं। द गार्ड लेफ्ट द फ्रैगमेंट्स बिकॉज ही डिड नॉट नोटिस देम। अब जो गार्ड होता है वो उस टुकड़ों को ऐसे छोड़ के चला जाता, क्यों? क्योंकि उसको नोटिस नहीं करता है। विश टू पनिश डेंटिस्ट, क्या वो चाहता है कि डेंटिस्ट को मैं पनिश करूंगा। वॉज टू लेजी टू बॉदर, और वो इतना लेजी था कि वो टेंशन नहीं लेना चाहता था। और वॉन्टेड डेंटिस्ट टू क्लियर अप, क्या वो चाहता था? तो देखिए, चूंकि वो कहा गया था कि उसने नोटिस नहीं किया, चूंकि वो जब उसको पता चला वो जग लाने गया दोबारा, इट मींस उसको पता चल गया कि जो जग था वो ब्रोकन हो गया, वो टूट गया, तो इट मींस वो लेजी था वहां पर, वो लेजी था और वो टेंशन नहीं लेना चाहता था कि इस चीज को करे। सॉरी डियर, काफी इरिटेशन होती, मैं बता नहीं सकता हूं। डेंटिस्ट प्रोबेबली ब्रोक द जग इन द मॉर्निंग, ड्यूरिंग द नाइट, आफ्टर ब्रेकफास्ट और एट एग्जैक्टली 3 PM। क्या इसका सही जवाब होगा? पता नहीं ये डॉगी, मतलब मैं बता नहीं सकता अभी कितना मैं अंदर से इरिटेट फील कर रहा हूं। ड्यूरिंग द नाइट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, एट एग्जैक्टली 3 PM, इन द मॉर्निंग। चलिए इसका सही जवाब है डियर, ड्यूरिंग द नाइट। नेक्स्ट है, डेंटिस्ट वॉज प्लानिंग टू कार्व हिज नेम, मेक हिज एस्केप, टीज द गार्ड और कॉल फॉर ब्रेकफास्ट। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन होता है। मैं खूब जोर से बोलता हूं उनके एवज में, मैं ज्यादा जोर से चिल्ला के बोल रहा हूं। तो इसका जो सही जवाब है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे जितना मैंने स्टोरी आपको अच्छे से समझाई थी, कि इसका जो सही जवाब है वो मेक हिज एस्केप, कि वो वहां से भाग जाना चाहता था। तो डियर इसी तरीके से हम सारे जितने सारे आपको मैं मैक्सिमम करवा पाऊं कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, और एसे राइटिंग, वो सारी चीज हम जल्दी करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में जिनसे उन्हें भी कुछ फायदा मिल जाए। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।